पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा और मॉडल साइमा बलोच ने निजी टेलीविजन चैनल पर ऑन एयर होने वाले अदाकारों मेज़बान निदा यासिर के मशहूर व मारूफ मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में शिरकत से इनकार करने की वजह मदाहों से शेयर कर दी। शो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में शिरकत ना करने के हवाले से फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर जारी लाइव सेशन के दौरान अदाकारा साइमा बलोच ने मदाहों को बताया कि शो की मेज़बान ने मुझे शो में शिरकत करने के लिए किसी भी किस्म के मुआवजे की पेशकश नहीं की थी, इसीलिए मैंने शो में शिरकत करने से माजरत कर ली। अदाकारा का कहना था कि शो के मेकर्स ने मुझे बगैर मुआवजे के निदा यासिर के मॉर्निंग शो में मदऊ किया, इसलिए मैंने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अदाकारा साइमा बलोच का कहना था कि अगरचे वो एक प्रमोशनल शो था, लेकिन मेरा फिल्म मेकर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनल के दिन तक का था। मैंने अपनी कमिटमेंट मुकम्मल की और फिर बिला मुआवजा किसी भी शो में शिरकत से माजरत कर ली। साइमा बलोच ने मदाहों से अपना पॉइंट जस्टिफाई करते हुए कहा कि अगर निदा ने मुझे शो पर मदू किया था तो उन्हें मुझे अदायगी भी करनी चाहिए थी। उनका कहना था कि अगर निदा ऐसा करती तो उनका क्या जाता, जब आप इतना बड़ा शो रन कर रहे हो और आपका ताल्लुक इतने बड़े चैनल से भी हो तो क्या मुझे मेरे वक्त का मुआवजा नहीं देंगे। वक्त पैसा है, वो फ्री में बुला रहे थे इसीलिए शो में नहीं गई। वाज़ेह रहे कि अदाकारों मॉडल साइमा बलोच अदाकार फवाद खान की मशहूर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट और बिग ब्रदर और बिग बॉस जैसे बैन अल-अक़वामी रियलिटी शो से मुशाहबत रखते पाकिस्तानी शो तमाशा में भी अदाकारा साइमा बलोच अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं।